ये पनीर का मसाला बना हुआ तैयार किए हुए हैं, तो बस आप इसमें भरना है। ये है हमारे फेमस छोले। इनकी सबसे बड़ी बात है कि इनकी कंसिस्टेंट टेस्ट है, नो अनियन नो गार्लिक। और पिछले 50-60 से ये पालक पनीर है। इतनी सादगी है ना छोलों में, इतनी सादगी है, I love it। Yo, what's up people? I hope everyone's doing great. My name is Saurav and स्वागत है आपका मेरे चैनल में फिर से एक बारी। आज मैं आया हूँ सेंट्रल दिल्ली, वेस्ट पटेल नगर। ये एक रोड है, मेट्रो जहाँ पे पूरी लाइन बनी हुई है शादीपुर वाली। यहाँ 24 घंटे भीड़ रहती है यार। यहाँ पे एक जगह जिसे कहा जाता है न्यू गोल हट्टी। इट इज सपोज टू बी अ लेजेंडरी प्लेस इन अ वे दैट 55-60 ईयर्स ओल्ड, फोर जनरेशन इज ऑन। बहुत ओल्ड स्कूल से एक ढाबा टाइप जगह है जहाँ पे आपको पता क्या मिलता है इनका फेमस, क्या वर्ल्ड फेमस इनका फेमस है, नान, स्टफ नान, जिसमें ये पनीर या गोभी आलू जो भी स्टफिंग ले लो, बट द नान इज सो पॉपुलर दैट पीपल फ्रॉम फार प्लेसेस कम हियर टू ट्राई द फूड। साथ में पता है ग्रेवी में क्या देते हैं, सिर्फ दो आइटमें, पिंडी छोले, पालक पनीर। और पंजाबियों का हिसाब है भी छोले में हल्की जी पालक नहीं गए तो मज़ा नहीं आया। उसके नाल कह रहे थानू खिलाना की पूड़ी छोले, अगेन दे सेड ब्यूटिफुल यार। गोल हट्टी इज़ अ पॉपुलर नेम, बहुत लोगों ने ट्राई किया यहाँ से। सच बताऊँ मैंने नहीं किया, इन फैक्ट आई यूज टू स्टे इन ईस्ट पटेल नगर, सो देर इज़ लेम यार, पागल हूँ मैं, पता नहीं जगह दिखाता हूँ। लेट मी शो पीपल वगैरह खा रहे हैं, अंदर सब्जियाँ देखते हैं, ऑर्डर करते हैं, एक सच्चा रिव्यू दूंगा। एंड अगर अच्छा हुआ तो क्या पता। हाँ बाय द वे, नो अनियन नो गार्लिक, चलें लेट्स गो। ये है शादीपुर वाली रोड, वेस्ट पटेल नगर सामने, और सीधा जाते हैं हम शादीपुर चौराहे पे। पिलर नंबर 200 वाट है बस के उस तरफ, सॉरी। और यहाँ पे आपको देखेगा न्यू गोल हट्टी। पार्किंग विल बी एन इशू, मेरी गाड़ी लग गई यहाँ पे, बट वैसे इशू है थोड़ा सा, सो गाड़ी पटेल नगर में लगानी पड़ेगी। आइए खाना खाते हैं। क्या हाल है, कैसे हैं? बस वेलकम टू द शो। थैंक यू। बड़े पुराने आप लोग, आपका बड़ा नाम सुना था मैंने यार। बट डैडी दादाजी इनकी मेहनत है और उनका आशीर्वाद है। अराउंड 69 से स्टार्ट किया था। और दो आइटमें हैं, पिंडी छोले और पालक पनीर। आइटम 3-4 है पर चलती यही है, नान छोले पूड़ी छोले हमारे फेमस हैं। अच्छा। जिसकी वजह से ज़्यादातर लोग जानते हैं। चले दिखाएं थोड़ा सा। आई सर, ये हमारे चाचा जी हैं सतपाल जी, डैडी हमारे मनीष जी, और ये हमारे दादाजी हैं जिनकी वजह से आज ये सारा कॉन्सेप्ट है, सारा बिजनेस है। हमारे फेमस छोले, इनकी सबसे बड़ी बात है कि इनकी कंसिस्टेंट टेस्ट है, नो अनियन नो गार्लिक। और पिछले 50-60 से ये पालक पनीर है। जो हमारा नान है बड़ा नान होता है, छोटा नान नहीं होता, एक ही नान खाया जाता है, 250 ग्राम नान होता है, 250 ग्राम का। हाँ, 250 ग्राम का नान होता है। हाँ, ये हमारा नान है, ये हमारे तंदूरिया जो नान लगाते हैं, और कई सालों से हमारे घर नान लगाने थे। ये पनीर का मसाला बना हुआ तैयार किए हुए हैं, तो बस आप इसमें भरना है और उसके तंदूर के अंदर लगाना है। ये होता है पेड़ा, इतना तो खाने का। ये है ये एक ही खाया जाता है, पूरी ये बनती है यहाँ, बढ़ा देते हैं, ये साइज होता है। कभी दाल नहीं बनी, इसके साथ हम रायता देते हैं, भल्ले होते हैं, रायता होता है, प्लेन दही होता है। पूड़ी लगवा रहे हो, बढ़िया सी पूड़ी लो। कितनी कीमत बताई थी फिर से आपने इसकी? हाँ, क्या कीमत है इसकी? ये छोलों के साथ 140 रुपये। 140 का छोलों के साथ? हाँ। आधा रायता भी मिलता है? नहीं, रायता अलग से। तो पूड़ी में एक प्लेट में दो ही आती है पूड़ियाँ? पूड़ी दो आती है, दो पूड़ियाँ, दो भटूरे होते हैं, पूड़ी अलग होते हैं। अच्छा, भटूरे भी अपने पास? भटूरे भी है हमारे। ज़्यादा क्या बिकता है, ज़्यादा क्या आपका बेटर है? पूड़ी ना। अच्छा, छोले यही वाले यूज होते हैं जो नान के साथ? छोले यही होते हैं। यहीं पे शुरुआत से हुई है। यहाँ पे गुलाब जामुन है? हाँ, ये गुलाब जामुन है हमारे। अच्छा, क्या रुपए पीस देते हैं? ये देते हैं 20 रुपए पीस, एक 20 रुपए पीस देते हैं गुलाब जामुन। और रस मलाई भी मैगी में लिखा है? रस मलाई खत्म हो गई है, आप जब आए रस मलाई खत्म हो गई है। कोई नहीं, अच्छा ठीक है। रस मलाई का क्या रेट होता है? 80 रुपए की प्लेट होती है। मैं काम करता हूँ, मेन्यू दिखा देता हूँ लोगों को। बस यही है।
गाइस ये मेन्यू देख लो जरा सामने, ये पॉज करना पॉज कर लो, ये स्वागत डिलीवरी डिलीवरी भी करते हो? हाँ स्विगी मेट्रो। राहुल ये पीछे छोले कुलचे क्यों लिखा है? ये अभी स्टार्ट किया है पॉपुलर डिमांड पे, यहाँ पे काफी कॉलेज के बच्चे आते थे। अच्छा, वो कहते थे कि हमें ये भी एक आइटम, क्योंकि पहले मुझे पता ना छोले कुलचे आपके पास कभी। गाइस ये मेन्यू देख लो पूरा, वहाँ पे अगर क्लियर ना दिखाओ पेपर में तो ये लो। एंड ये पूरा सीटिंग एरिया जी। हाँ जी सर, इनका 250 ग्राम का नान, साथ में छोले, पालक पनीर और अच्छा खाना लग रहा है। ये देखो इधर आओ, छोले के ऊपर देखो ये पालक देख रहे हो, कुकर सब पंजाबियों का स्टाइल है खाने का। छोले का हर एक पीस राउंड और इंटैक्ट है। कई बार क्या होता है छोले पकते हैं तो सारे मशी हो जाते हैं, अच्छी बात है। गाढ़े छोले साथ में इनका सलाद दिख रहा है और ये नान, नान का साइज इज़ एक्चुअली ह्यूज। ये लो जी ये देखो, सी नवरात्रों में ऐसा कुछ नहीं कि मुझे अनियन गार्लिक नहीं दिखाना, मुझे सब दिखाना है, बट इनके लकीली नहीं था इन वे दैट ये वैसी सर्व नहीं करते, तो ये नवरात्रों के चक्कर में नहीं है, वैसे क्लियर कर दूँ। हाँ चालू करें, सबसे पहले पूरी खाते हैं उसके बाद आएंगे मेन चीज़ पर। ये देखो जी पूरी पूरी आए, अंदर फिलिंग नहीं है बट नरम पूरी है। ये लो जी ये देख रहे जी, बड़ी सी बाइट बनाई, साथ में लिया हल्का सा सलाद। ये लो ट्राई करें। ऑलराइट नवरात्रि हैं, अच्छा खाना खाना है कुछ भी हो जाए। 3, 2, 1 सब्सक्राइब, लेट्स गो इन। इतनी सादगी है ना छोलों में, इतनी सादगी है, आई लव इट यार। नॉट एट ऑल स्पाइसी, सिंपलिसिटी लाइक आई सेड, वाह। एंड लाइट है, पूरी इज अगेन नरम बट द हीरो इज द छोले, मैं आपको झूठ के बोलूँ छोले दिल लेगा यार। एंड क्वांटिटी अगर छोलों की है ना, इट्स अ लॉट, वो कहते हैं ना रीफिल वाला चक्कर ख़त्म। अलग से खा लो चाहे मिर्ची, उसमें सादगी दिखेगी। सलाद थोड़ा चपट आया, गोइंग वेल विद दिस, आई सिंपली लव इट। मिलाओ ये 250 ग्राम का नान जी, इसका पेड़ा देखा था, अब ये देखो अंदर से। जो राहुल जी मिले थे उनका स्पेशल गोभी वाला है, हमने पनीर वाला ऑर्डर किया, कह रहे पनीर सबसे ज़्यादा बिकता है, आप आलू वाला कर लो, आलू तो एवरग्रीन है ही। ये लो ये ली बड़ी सी बाइट, हल्का सा फोल्ड मारा और ये लो जी ये हो गया। छोले के साथ लेंगे फिर पालक पनीर भी खाते हैं। ये लो ठीक है, खाए इसको। मज़ा आ गया, मैं सही बता रहा हूँ, दिस इज नॉट मच टॉकी बट अगर हल्का सा बताना है, दिस इज ऑल वेरी सिंपल एंड नाइस एंड क्लीन फूड दैट विल नॉट अपसेट योर स्टमक इन एनी वे। आई डोंट सी एनी थिंग हैपनिंग विद फूड, मतलब वो मसाले भर दिए, क्रीम में डाल दी, ये डाल दिया, वो डाल दिया, ऐसा लग नहीं रहा बाहर से खाना खा रहा हूँ। एंड आई लाइक द वाइब, अच्छा कभी मेरे कहने पर आते जाते खा लेना, मज़ा आएगा। जो पालक पनीर भी खाएं बिकॉज ये भी मशहूर है, लोग चावल के साथ बड़ा खाते हैं पालक पनीर, जस्ट सही। और चावल इनके पास है, हमने ऑर्डर नहीं करे, नहीं तो चावल पालक पनीर छोले मोले सब लोग बहुत खाते हैं शौक से। मेरे नाम पे आके ट्राई करना, इफ़ यू लाइक रियली स्पाइसी फूड, हरी मिर्च या मसाला सलाद का ज़रूर यूज़ करना, आपको वो थोड़ा सा इट क्रैंक इट अप अ लिटिल बिट। हाँ एनीवे मैं आराम से उसको एंजॉय करता हूँ। न्यू गोल हट्टी, अगर मेरी रिकमेंडेशन है भरोसा तो प्लीज़ खाना इसका, ठीक है कि नहीं है। चलो बाय बाय, सी यू, टेक केयर। एक्चुअली टेक्निकली वैसे हमारा